लॉकडाउन के चौथे चरण में मंगलवार को विभिन्न वार्डों में सब्जी की गाड़ियां भेजी गई। इस संबंध में फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राय ने बताया कि चौथे चरण में भी निरंतर जारी है डोर टू डोर सप्लाई। यह गाड़ियां महानगर के हर वार्डों में जाकर डोर टू डोर सब्जी और फलों की सप्लाई कर रहा है। सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, आपकी जरूरत की चीजों को हम आपके घर तक पहुँचाएंगे। बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाकर ही बाहर निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राय ने बताया, बंद गेट लगा दो, मेरा नाम फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन गोरखपुर। होम डिलीवरी लगातार जारी है, लॉकडाउन का चौथा चरण जो चल रहा है, इस चरण में भी होम डिलीवरी लगातार जारी है। क्या क्या मतलब भेजा जा रहा है इसमें? सब्जियों में सारी तरह की सब्जियां इसमें, जैसे कुंदरू, परवर, करेला, लौकी, भिंडी, और इसमें फल भी है। रमजान का महीना चल रहा है, रोजे का फल भी इसमें गाड़ियों में जा रही है लगातार। सर ये कहाँ कहाँ जाती है? ये जाता है आपका गोरखनाथ जाता, बसंत इनक्लेम जाता है, जजज कॉलोनी जाता है, ये हीरापुरी कॉलोनी जाता है, सिविल लाइन कॉलोनी जाता है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब की कॉलोनी में वहाँ जाता है, मोहद्दीपुर जाता, बसारतपुर जाता है, इलाही बाग जाता है, जफर कॉलोनी जाता है, बहरामपुर जाता है, ये सारे जहाँ जाता है, नंदा नगर जाता है, राप्ती नगर जाता है, कूड़ा घाट जाता है, सैनिक कुंज बिहार जाता है, मतलब पूरे शहर में 70 वार्डों में तकरीबन सब मोहल्लों में जाता है होम डिलीवरी। डोर टू डोर होता है होम डिलीवरी, और उस पर फल भी लगा रहता है, लगातार ये जारी रहेगा, लॉकडाउन तक जारी रहेगा। सर लॉकडाउन फोर में कोई अपील आपके द्वारा जनता से? जी जी, जनता से लॉकडाउन फोर में ये अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कहने के अनुसार जो उन्होंने आह्वान किया लॉकडाउन का पालन करने का, हमारे तरफ से भी है, उनके कहने के अनुसार लॉकडाउन का जनता पालन करे, हम भी करें, जनता पूरा लॉकडाउन का पालन रखे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, जो जरूरी काम हो, जरूरी चीज़ तभी निकले वो।